नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और सबसे पहले अगर बात करें तो आज 559 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर रिकवरी की बात करें तो 388 रिकवरीज भी आज सामने आई हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं कश्मीर का, क्योंकि लगातार कश्मीर से भी जो है एक बड़ा आंकड़ा जो है हर रोज़ जो है कोविड-19 के हवाले से अगर बात करें तो देखने को मिल रहा है। क्या सूरत हाल है इस वक्त ग्राउंड जीरो में कश्मीर की बात करें तो इसके लिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट पर। और जानना चाहूँगी कि अगर ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट की बात करें तो आप ग्राउंड जीरो पर हमेशा रहते हैं, तो किस तरह की सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बने हुए हैं अगर कोविड-19 के हवाले से बात करें? देखिए जसलीन, जिस तरीके से कोविड-19 का कहर जो है वो लगातार पूरे दुनिया भर में छाया हुआ है, तो वादी कश्मीर में भी इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम बात करें तो फिर से कह सकते हैं कि यहाँ एक 500 से ज्यादा नंबर जो है वो आज फिर से दिखाई दे रहा है। मगर साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक साइड से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कोविड आगे जा रहा है, दूसरे साइड से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी बताया है कि कश्मीर घाटी में रिकवरी रेट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। यानी एक साइड से अगर कोविड के केसेस की तादाद बढ़ रही है, दूसरी साइड से इन केसेस को लेकर रिकवरी भी ठीक ठाक चल रही है। मगर सवाल यहाँ पर बनता है अस्पतालों का, जो लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है अस्पतालों को लेकर। उसमें खास तौर पर अगर हम बात करें शहर श्रीनगर का SMHS अस्पताल, जो कल से लगातार हमारे चैनल पर सुर्खियों में है। हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर कि वहां से काफी ज्यादा शिकायतें मौसूल हो रही है कि टेस्ट्स को लेकर बात की जा रही है। कहीं ना कहीं मामला ऐसे भी हैं कि कुछ टेस्ट्स जो लिए गए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो अभी तक उसकी निकल के नहीं आई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें जो वहां पर अटेंडेंट्स है, उनका ये भी मानना है कि जब हमने टेस्ट के हवाले से बात की तो बाद में ये भी पता चला कि कुछ पेशेंट जो है वो मर गए हैं, जिनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, मगर उनके टेस्ट अभी भी उसकी जो रिपोर्ट है वो शायद नहीं की गई है। यानी कह सकते हैं कि कोविड-19 में काफी ज्यादा ये जो हलचल है, काफी ज्यादा जो खबरों में इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरे साइड से अगर मैं सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी बात करूं तो प्राइवेट अस्पतालों की मार जो है मरीजों के साथ या जो उनके अटेंडेंट्स है उनके साथ लगातार जारी है। क्योंकि शिकायतें आ रही है कि अब टेस्ट के जो दाम है वो प्राइवेट अस्पताल वालों ने उसे सरचढ़ के बोल दिया है। यानी जो 100 रुपए का टेस्ट होता था वही प्राइवेट अस्पताल इस वक्त मौके का फायदा उठा के 300-400 रुपए उसी टेस्ट का ले रहे हैं। और दूसरे साइड से ये भी खबरें हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो हेल्थ महकमा है उन्होंने एक ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया है खासतौर पर प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स को लेकर। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो कोविड का कहर है, दूसरे साइड से कुछ अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है। उनका मानना है कि सर्जरीज जो हो रही है, मेजर सर्जरीज जो हो रही है वो विदाउट कोविड टेस्ट पेशेंट्स हो रहे हैं। तो काफी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स को भी सील कर दिया गया है और फाइन्स भी लगातार दिखाई दे रही है। जसलीन, बिल्कुल इरफान फाजिल, वहीं अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पे इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस की बात करें या मूवमेंट की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो किस तरह के सूरत हाल देखने को मिलते हैं? देखिए कल रात से ही जिस तरीके से अगर हम बात करें 370 धारा को लेकर और एक साल कंप्लीट हुआ और एक साल को लेकर आज ही के दिन जो है पार्लियामेंट में जिस तरीके से डिसीजन लिया गया था एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उसी चीज को लेकर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो मैक्सिमम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज जो है झंडा फहराया गया है, जिससे एक अच्छा खासा जश्न भी दिखाई दिया है। और कुछ पार्टीज की तरफ से आज के दिन को लेकर अगर हम अपोजिशन पार्टीज को लेकर बात करें, PDP है या बाकी दीगर पार्टीज जो है उनकी तरफ से आज एक ब्लैक डे जो है उसे मनाया जा रहा है। हमने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने उनके पार्टी वर्कर्स ने ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहन के फ्लैग होस्टिंग्स भी की थी, जो ब्लैक फ्लैग होस्टिंग थी जिसमें लिखा गया था खासतौर पर ब्लैक डे। और दूसरे साइड से अगर मैं बात करूँ तो जो खासतौर पर अगर देखा जाए, पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको कर्फ्यू 2 दिन के लिए जो है जारी किया गया था, मगर आज सुबह कर्फ्यू हटा के फिर 144 लगाई गई। और जिस तरीके से मूवमेंट हम देखना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कर्फ्यू के टाइम पे, जब कर्फ्यू हटाया गया तो बाद में उसके बाद हल्की फुल्की मूवमेंट या कह सकते हैं कि प्राइवेट कार्स या कहीं ना कहीं 2-व्हीलर्स वगैरह की जो मूवमेंट है वो सड़कों पर देखने मिली थी। मगर साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट की गई थी, जिसमें बैरिकेड्स लगाए गए थे, बारबेड वायर लगाई गई थी ताकि पूरी तरह से घाटी को सील किया जाए,
कुछ वायलेशन ना हो, कुछ प्रोटेस्ट ना हो, तो चप्पे चप्पे पर ये नजर रखी जा रही थी। और कह सकते हैं कि आज का दिन जो है खुसूसन जिसपे मैक्सिमम पुलिस को काफी ज्यादा चिंता थी कि खुदा ना करे कि आज के दिन को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, मगर आज के दिन को लेकर हम कह सकते हैं जो गुपकार रोड है, जो बुलवार्ड साइड से गुपकार रोड या सलवार से जो कनेक्टेड रोड है जहां पर मिनिस्टर्स की मैक्सिमम कोठियां हैं, तो बात अगर करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर या उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की जो रेजिडेंस है, उस एरिया को कम्प्लीटली सील किया गया था। वहां से किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी थी, ताकि क्योंकि आज काफी सारी चीजों की प्लानिंग चल रही थी, जिस तरीके से पार्टी प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उसकी तरफ से कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स होने जा रही थी या जिस तरीके से उनके प्रोग्राम को आज के दिन रखा हुआ था, मगर बाद में ये सारी चीजें चौपट हो गई जब सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट की गई और उनको घर पे ही रहना पड़ा और किसी भी पार्टी को अलाउ करने नहीं दिया बाहर, ताकि कोई प्रोटेस्ट या कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि हमने ग्राउंड पर खुद देखा कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी ताकि आज दिन जो है पूरी शांति से गुजरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमें तमाम ग्राउंड जीरो से कश्मीर की जो है सूरत हाल बताने के लिए, थैंक यू सो मच। और ये इरफान हमारे साथ, सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ थे, और जिस तरह उन्होंने बताया कि लगातार अगर हम कोविड के हवाले से बात करें तो लगातार सिचुएशन जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जिस तरह उन्होंने टेस्टिंग को लेके भी कहा कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से उनके रेट्स, उनके दाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और लगातार देखा जा रहा है। तो अब दूसरी ओर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार आप सभी को बता दूँ, तो श्रीनगर से आज 160 जो हैं नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं। बारामूला की बात करें तो 29 पॉजिटिव केसेस बारामूला से भी सामने हैं। पुलवामा की बात करें तो 105 पॉजिटिव केसेस पुलवामा से आए। कुलगाम की बात करें तो 27 पॉजिटिव केसेस जो है आज कुलगाम से भी सामने हैं। वहीं शोपिया की बात करें तो 7 नए पॉजिटिव केसेस शोपिया से भी सामने हैं। अनंतनाग की बात करें तो 7 नए पॉजिटिव केसेस अनंतनाग से भी सामने हैं। बड़गाम की बात करें तो 41 पॉजिटिव केसेस। कुपवाड़ा की बात करें तो 2 पॉजिटिव केसेस कुपवाड़ा से भी सामने हैं। बांडीपुरा की बात करें तो 44 पॉजिटिव केसेस बांडीपुरा से भी सामने आए हैं। और वहीं अगर बात करें गांदरबल की तो 41 पॉजिटिव केसेस जो हैं गांदरबल से भी जो हैं सामने आए। और जिस तरह इरफान फाजिल ने भी बताया कि आज जिस तरह से पूरे जगह अगर हम बात करें, जिस तरह से आज मूवमेंट, जिस तरह उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से जो सेलिब्रेशंस जो की गई इस ऐतिहासिक दिन की, और कुछ जगहों पर भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगाई गई थी ताकि लोग जो हैं इस तरह से बाहर ना निकले, पर वहीं दूसरी ओर बात करें उमर अब्दुल्ला की तो उन्होंने यहाँ पर हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से आज बीजेपी जो है 5 अगस्त को सेलिब्रेट कर रही है, पर दूसरी ओर हम लोगों को जो है किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि 1 year later the authorities are still too afraid to allow us to meet, much less carry out any normal political activity. This fear speaks volumes about the true situation on the ground in Kashmir. तो ये उमर अब्दुल्ला ने जो है ट्वीट करके क्लियरली जो है बीजेपी पे निशाना साधा हुआ है और कहा हुआ है क्लियरली कि क्लियरली द मीटिंग इज नॉट बीइंग अलाउड टू गो अहेड, द बीजेपी गेट्स टू अनाउंस द 15-day सेलिब्रेशन टू मार्क द 5th August एंड हैंडफुल ऑफ अस, पर वी आर नॉट अलाउड टू मीट एनी माई फादर इन लॉ एंड सो मच फॉर द बीजेपी नेशनल लीडर्स वंडरिंग वाई देयर इज नो पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये ट्वीट करके जो है उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो है कहा है कि जहाँ एक तरफ बीजेपी जो है अपने जश्न मना रही, वहीं दूसरी ओर हम लोगों को जो है एक दूसरे से इवन मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ना ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी इस तरह की मीटिंग या अनाउंसमेंट करने के लिए भी जो मीटिंग्स वो होल्ड कर रहे थे उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो जाते जाते कुछ कमेंट्स मैं ले लूँगी, और अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज की अपडेट जानी है COVID-19 से जुड़ी तो आप ज़रूर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपको COVID-19 के हवाले से ज़रूर जो है अपडेट जो है आपको देंगे। तो जो कमेंट्स इस वक्त मेरे साथ हैं मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। उमर सुहेल शेख हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग। और उसी के साथ आदिल सोफ़ी हमारे साथ हैं और लिख रहे हैं डोंट बी पैनिक न्यूज़ चैनल्स। और उमर सुहेल शेख हमारे साथ है, डोडा की अपडेट पूछ रहे हैं, तो ज़रूर डोडा की अपडेट भी मैं आपको बता दूँ। अगर डोडा की बात करें तो आज सुहेल डोडा से जो है कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, अच्छी खबर है, डोडा से कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। हसीम मलिक हमारे साथ हैं और रईस हैं, हेलो लिख रहे हैं। और सलिक शौकत हमारे साथ है, पुलवामा की अपडेट पूछ रहे हैं। पुलवामा की बात करें तो आज पुलवामा से 105 नए पॉजिटिव केसेस सामने। और वहीं दूसरी ओर एक व्यूअर रजौरी और पुंछ की अपडेट पूछ रहे हैं। रजौरी से बात करें तो यहाँ पर 5 जो हैं पॉजिटिव केसेस बताए हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर पुंछ की बात करें तो 3 पॉजिटिव केसेस जो हैं पुंछ से भी जो हैं
बताए गए हैं। और नवाब राजपूत तो मैंने जिस तरह बता दिया, और सलीक शौकत हमारे साथ थे, रियान सोफ़ी हमारे साथ हैं, और मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं जो हर रोज़ हमारे साथ लाइव में इंटरेक्ट करते हैं। उमर सुहेल हैं, डोडा की मैंने अपडेट बता दी, आज कोई भी पॉजिटिव केस डोडा से सामने नहीं आए। ओवी ओवेस हमारे साथ हैं, अनंतनाग की अपडेट जानना चाहते हैं। आसिम गनी हमारे साथ हैं, वो भी अनंतनाग की अपडेट पूछ रहे हैं। और राजा खुर्शीद हैं, वो भी अनंतनाग की अपडेट पूछ रहे हैं। तो अगर अनंतनाग की बात करें तो आज अनंतनाग से 7 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें से 2 की जो है ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। तो कुल अगर आज की बात करें 559 नए पॉजिटिव केसेस आए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो 388 रिकवरीज जो हैं सामने आई हैं। और वहीं अगर बात करें तो आज 79 रिकवरीज बारामूला से सामने आई। वहीं पुलवामा से भी आज 70 रिकवरीज सामने आई। वहीं श्रीनगर की बात करें तो 55 रिकवरीज जो हैं श्रीनगर से भी सामने आई हैं। तो खूब सारा अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। बाहर कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते बार बार यही मैसेज जो है हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, पैनिक बिल्कुल ना हो। बस आपको अपना ध्यान जो है ख़ास तौर पर रखना है। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप अपने अपनों का भी जो है ख्याल रख पाएंगे। तो इसी तरह आप देखते रहें JK News Point। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।